रोजगार मेला में युवाओं को मिला धोखा, 45,000 सैलरी देने का किया दावा। इंटरव्यू देने पहुंचे तब बताए 20,000 रुपए। बिना आवेदन जमा किए लौटे बेरोजगार। बिलासपुर जिले में बेरोजगारी की मार झेल रहे बीटेक, एमबीए और पीजी डिग्रीधारी युवाओं की रोजगार मेले में भीड़ उमड़ पड़ी है। अलग अलग प्राइवेट कंपनियों ने उन्हें 45,000 रुपए सैलरी देने का दावा किया था, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आई तब उन्हें 20-25,000 रुपए देने की बात कही। युवाओं ने ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने के बाद भी उन्हें वैकेंसी फुल होने का बहाना कर दिया गया। बाद में उन्हें टेक्सटाइल, माइक्रो फाइनेंस कंपनी और सिक्योरिटी गार्ड का ऑफर दिया गया। ऐसे में हायर एजुकेशन डिग्री धारी बेरोजगार बिना फॉर्म जमा कराए ही वापस लौटाए। सोमवार को बिलासपुर में आयोजित संभाग स्तरीय रोजगार मेले में आने वाली कंपनियों ने युवाओं को प्रति माह 45,000 रुपए सैलरी देने का दावा किया था। ऐसी कंपनियों के झांसे में आकर युवक युवती जब आवेदन जमा करने पहुंचे, तो कंपनी के अधिकारियों ने इंटरव्यू में उन्हें शुरुआत में 10,000 रुपए सैलरी देने की बात कही। इस पर बेरोजगार युवकों को बिना आवेदन जमा किए ही वापस लौटना पड़ा। हाई क्वालिफाइड कई युवकों को प्राइवेट जॉब और पद पसंद नहीं आया। इस मेले में मास्टर डिग्री धारी बेरोजगारों को फाइनेंस कंपनी में फील्ड वर्क और सेल्समैन जैसे पद के लिए आवेदन करना पड़ा। राज्य शासन और जिला प्रशासन ने दावा किया है कि बिलासपुर में पहली बार संभाग स्तर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए बेरोजगार खुश नजर आए। उन्हें उम्मीद थी कि प्राइवेट कंपनियों में अच्छी सैलरी का ऑफर मिलेगा। यही वजह है कि मेले में युवक युवतियों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन वहां जाने के बाद युवक युवतियों को कंपनियों के अधिकारियों के जवाब सुनकर मायूस होना पड़ा।